जो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि पहले जो छुआछूत का माहौल था वो आज यूनिवर्सिटीज में उसका स्वरूप दूसरे रूप में मिलता है, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन हम यहाँ जो छात्रों के साथ और अध्यापकों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, उसका स्वरूप बदल गया। जैसे मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ आपको कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कट ऑफ के नाम पे जो एडमिशन होता है बच्चों का, कट ऑफ के नाम पे कैसे वंचित समाज को उनके अधिकारों से दूर रखा जाता है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि पिछली बार मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ और उसमें हमने काम किया, तो मैं अपने पर्सनल साझा अनुभव ही शेयर करूँगा। उसमें ये कहा जाता है दोस्तों कि अगर सेकेंड कट ऑफ का कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा थर्ड कट ऑफ के जनरल कैटेगरी के मेरिट को मीट करता है तो अनरिजर्व कैटेगरी में उसका एडमिशन नहीं होता है। कहा जाता है कि उस कट ऑफ का वो केस है, इसलिए सेकेंड कट ऑफ का बच्चा थर्ड कट ऑफ के जनरल कैटेगरी के मीट करते हुए भी उसको जनरल में एडमिशन नहीं मिलता है, उसी कैटेगरी में एडमिशन दिया जाता है। तो इस तरह से जब ओवरऑल हम 10-11 कट ऑफ निकालते हैं और कट ऑफ के रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि उसमें 55.5% अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे एडमिशन लेते हैं और 49.5% में सारे रिजर्व कैटेगरी के एडमिशन होते हैं। तो कहीं न कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन का स्वरूप चेंज हो जाता है और इसको समझने के लिए जो उस कमेटी में काम करता है वही समझता है, या तो फिर लोगों से बहस करने का भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि इस स्वरूप को यूनिवर्सिटी बड़े अच्छे ढंग से जो है संचालित करने का काम करती है और प्रोटेक्शन देती है कि नहीं एडमिशन इसी तरीके से होगा, कोई भी कैंडिडेट अनरिजर्व में एडमिशन नहीं लेता है भले उसकी मेरिट जितनी भी हो। तो ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों। अध्यापकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अध्यापकों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों, इससे दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियरिटी की कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, यहाँ सीनियरिटी की कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है और विश्वविद्यालय के कॉलेजेस जो हैं वो सीनियरिटी किस तरह से बनाते हैं, प्रशासन जैसे कहता है उसी तरह से सीनियरिटी लिस्ट बनाते हैं और जिसको लेटर देना होता है TIC बनाने का उसी तरह से लेटर विश्वविद्यालय प्रशासन देता है और वो कहता है कि इंट्रा कैटेगरी सीनियरिटी होगी, मतलब सेम कैटेगरी में सीनियरिटी होगी, अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो अनरिजर्व कैटेगरी में सीनियरिटी होगी, OBC में सीनियरिटी होगी, SC में सीनियरिटी होगी, ST में सीनियरिटी होगी, लेकिन इंटर कैटेगरी सीनियरिटी नहीं होगी, मतलब SC का कैंडिडेट जनरल के कैंडिडेट से सीनियर नहीं हो सकता, OBC का कैंडिडेट जनरल के कैंडिडेट से सीनियर नहीं हो सकता। और इसी तरीके को विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तरीके से हैंडल करता है। तो दोस्तों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता है, कागजों में समझने की जरूरत पड़ती है। और किसी दूसरे विश्वविद्यालय की कहानी में बताता हूँ दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या होता है, देश का सबसे पहला विश्वविद्यालय बनता है जहाँ 200 पॉइंट रोस्टर पे अपॉइंटमेंट नहीं होता है, 13 पॉइंट रोस्टर पे अपॉइंटमेंट होता है और सामाजिक न्याय का गला घोट दिया जाता है। हमारे अधिकारों और हकों को छीन लिया जाता है और उस केस में UGC हो, चाहे MHRD हो, चाहे सरकार हो, सारे मिले हुए होते हैं, चाहे वो कोर्ट हो, सारे मिले हुए होते हैं दोस्तों। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, UGC SLP दायर करती है, MHRD SLP दायर करती है, गवर्नमेंट भरोसा दिलाती है कि हम इस मुद्दे पे 200 पॉइंट रोस्टर पे अध्यादेश लाएंगे, शीतकाल अभी खत्म हो गया, शीत सत्र अभी खत्म हो गया, किसी तरह का कोई अध्यादेश नहीं दोस्तों। इसी बीच में 10% का दूसरा रिजर्वेशन का नया सबूफा छोड़ दिया गया और 200 पॉइंट रोस्टर पे कोई बात नहीं होगी, सामाजिक न्याय की कोई बात नहीं होगी। सरकार है जो सामाजिक न्याय का गला घोटना चाहती है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों, जब इंटरव्यू होते हैं डायरेक्ट ओपन सीट कभी कभी आ जाती है, ओपन सीट में प्रोफेसर का रिजर्वेशन होता है, कोई ओपन सीट में प्रोफेसर का एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है, तो जो भी इंटरव्यू देता है इंटरव्यू में जाने के बाद जब रिजल्ट आता है उसके सारे API पूरे होते हैं, सारे API स्कोर पूरे होते हैं, इंटरव्यू भी देता है लेकिन जब रिजल्ट आता है
तो कहा जाता है रिजल्ट में ये होता है कि नॉट फाउंड सुटेबल। और दोस्तों उसी समय जेएनयू में इंटरव्यू होता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट का केस बता रहा हूँ दोस्तों, और उसी समय जेएनयू में इंटरव्यू होता है, वो व्यक्ति वहां प्रोफेसर बन जाता है ओपन सीट में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसलिए नहीं उसको सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि लोगों को डर है कि ये तो अगर प्रोफेसर बन गया तो हेड बन जाएगा, डीन बन जाएगा, और एक वंचित समाज के आदमी अगर हेड बन जाए और डीन बन जाए ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों आज हमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि रोहित वेमुला हैदराबाद के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट थे और एक अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के एक्टिविस्ट भी रहे और इन्होंने एक बुक भी लिखी, कास्ट इज नॉट ए र्यूमर। दोस्तों जब रोहित वेमुला की मौत हो गई और उसने सुसाइड कर लिया तो दलित संगठनों ने मिल के प्रदर्शन स्टार्ट किया। तो सरकार का एक प्रोपेगेंडा होता है, सरकार प्रोपेगेंडा बनाती है कि रोहित वेमुला एक दलित नहीं था, उसके कास्ट को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि रोहित वेमुला दलित नहीं है और दलित संगठनों को इस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से और सरकार को कानों तक यही खबर करना चाहता हूँ, क्या रोहित वेमुला दलित होगा तभी आप प्रतिरोध करेंगे? क्या कोई भी स्टूडेंट होगा और उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा सरकार के द्वारा, एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा और वहां के वाइस चांसलर के द्वारा, तो क्या आप प्रतिरोध नहीं करेंगे? तो दोस्तों आज शहादत के तीन साल पे रोहित वेमुला को हम याद करते हैं और जिस तरह का रवैया एमएचआरडी मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा जो अपनाया गया, वहाँ का जो मिनिस्टर दत्तात्रेय थे उनके द्वारा अपनाया गया, वाइस चांसलर पी अप्पा राव थे उनके द्वारा लेटर के माध्यम से लगातार शोषण किया गया, लगातार मानसिक टॉर्चर किया गया, पहले रोहित वेमुला को हॉस्टल से निकाला गया, उसके दोस्तों को हॉस्टल से निकाला गया, यूनिवर्सिटी से निकाला गया। जब एक्सपेल्शन हो जाता है तो रोहित वेमुला और उसके साथी हॉस्टल के बाहर टेंट लगा के प्रदर्शन करते हैं, उसकी फेलोशिप भी रोक दी जाती है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। अंत में जो है वह रोहित वेमुला हॉस्टल के एक कमरे में, अपने दोस्त के एक कमरे में फांसी लगा के सुसाइड कर लेता है। और इस तरह का मानसिक प्रताड़ना रोहित वेमुला झेल नहीं पाता है। तो दोस्तों ऐसे कृत्यों की और ऐसे कर्मों की मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ और इस माध्यम से यूथ फॉर सोशल जस्टिस के माध्यम से मैं कड़े शब्दों में प्रतिरोध करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कहीं बाहर हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे।